दोस्तों, इस तरह से सेप्टिक टैंक का डिजाइन करेंगे तो आपके घर का सेप्टिक टैंक कभी भी खराब नहीं होगा, ना कभी ओवरफ्लो में दिक्कत आएंगी, जिसके कारण आपके घर में ऑर्डर और इस तरह से प्लीजेंट का बहुत ही ज़्यादा गंदा तरीका से स्मेल करता है अगर सही से हमारा सेप्टिक टैंक डिजाइन नहीं किया गया हो। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी सेप्टिक टैंक डिजाइन करें तो एक मेन चैम्बर, दूसरा सेकेंडरी चैम्बर और तीसरा ओवरफ्लो चैम्बर हमेशा बनाएं, और ख़ास करके ध्यान रखें कि बीम हमारा ऊपर होना ही चाहिए जिससे हमारे स्लैब का रेस्ट बनता है। तो अच्छी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर।